इधर उतना दूर नहीं। अरे बाप रे बाप रे बाप। भाई एक इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिलें, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। आई वेलकम टू FSA एंटरटेनमेंट। मैं रुबाब गोट्स पर हूँ पुणे में और हम कवर कर रहे हैं इनके दो बड़े बड़े बकरे। ये पहला बकरा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, आमीन भाई। आमीन भाई, आप के साथ कौन खड़े? इमरान भाई है मेरे साथ। और आपका जो बकरा है, ये बकरे का नाम क्या है? जी बकरे का नाम यमराज है। यमराज जी। ओके, डिटेल्स बताइए। ये जो बकरा है भाई अभी 39 के हाइट पे है और 82 टू 85 केजी इसका वेट है और दांतों में इसने 8 कर दिया है भाई। 39 इसका हाइट है सर। 39 हाइट है जी। और 82 केजी आप कह रहे हो, लेकिन मुझे तो लग रहा है 90 के अप्रोक्सीमेट होगा जी, शायद ज्यादा भी हो सकता है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन बहुत बड़ी फ्रेम का बकरा है। नहीं एक्चुअली कैसा है, नहीं कराया अभी इसलिए कह रहे हैं, बट मेरे को लग रहा है 90 है जी, क्योंकि फ्रेम अच्छी है बकरे की, बहुत अच्छी फ्रेम का है, बहुत अच्छी हाइट का है, पूरे दांत अभी किया है, सिंग सिंगार का एकदम परफेक्ट है जी जी बिल्कुल। बेस्ट पार्ट है सबसे अग्रेसिव है, एग्रेसिव बकरा है ये, तो इंसानों को तो छोड़ता नहीं है, बकरे को भी जिसके पास बंधा रहता है दिन भर उसी को भी जाके दे देता है। नहीं नहीं नहीं, सबको मारते है। नाम रखे है इसका यमराज, यमराज बिकॉज ऑफ द किलर लुक्स जी, किलर लुक्स के वजह से उसका नाम यमराज रखे, थोड़ा टेरर टाइप लगता है वो। अच्छा, और एग्रेसिव भी काफी है। ये आपका जो फार्म है मेन, वो एक अलग जगह पे? जी जी, वो अलग जगह पे, ये दो बकरे ये जगह पे रखे हमने पर्सनली। जगह पे है पुणे में? हम अभी कोरोना में फिलहाल तो शिवनेरी नगर में, कोंडवा में शिवनेरी, बहुत अंदर है, कोई नया बंदा है तो पता ही नहीं चलेगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट नहीं नहीं बोल के 20-25 लेफ्ट राइट आ जाएंगे आराम से, पर आएगा इजीली जी। किसी को आके देखना है यहाँ पर जी, कैसे गाइड करोगे लोग? नहीं अगर वो पुणे में नीचे पेट्रोल पंप बोलो या फिर अगर बस स्टॉप पे भी आते तो हम लोग उनको पिकअप कर लेंगे। ओके जी। तो ये बेचने के लिए निकाला? जी जी, ये सेल के लिए। कितना मांग रहे हो आप इसका? इसका तो ऐसा पर्सनल में बताएंगे क्यों ऐसे, क्योंकि थोड़ा इसका कोट अलग है। अभी कैसा होता है कि अगर किसी को हमने अभी समझो अभी ओपन कुर्बानी के लिए लेना चाहे जी, तो उसको अगर उसको समझ में आएगा तो कॉल करेगा ना जी। ये जो है इसका मतलब ज्यादा तो नहीं मांग रहे, एकदम नेगोशिएट करा के रीजनेबल रेट में देंगे।
कितना है? अंडर 75 है, ओवर 75 है? ओवर 75 है। ओवर 75 है 80 किलो के बकरे का जी। आपके हिसाब से क्यों ऐसे ऐसे क्या चीज़ क्योंकि है? क्या है फात भाई, क्योंकि ये जो बकरा है ये अभी अभी हम लोग ने ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं लाया है, इसको अप्रोक्सीमेटली रख के हम लोग को 7 से 8 महीने हो चुके। 7 से 8 महीने हो चुके जी। कितने पे आया था और क्या? ये जब बकरा आया था फात भाई, ये बकरा आया था हमारे पास 61 kg पे। ओके जी। तभी वो 6 दांत पे था, चल रहा था। अभी इसने 8 दांत कर लिए और माशाल्लाह काफी अच्छा वेट गेन भी किया है इसने। माशाल्लाह सीना वीना क्या बना जी इसका? फिर भी अभी लाजवाब है ये जी। और अभी इसके गले में जो रस्सी, अगर ये निकालूंगा तो इसका एक्चुअल लुक तुमको पता चलेगा। एक्चुअली निकालना चाहिए था शूट के लिए तो बेटर रहता था जी, लेकिन ये अभी एकदम टाइट है बहुत समय से, तो काटना ही पड़ेगा मेरे को लगता है आपको। वो ही मसला है, निकलती तो और बेटर था, बट नंदलेस ये आपको पर्सनल बता सकते हैं जी जी। नहीं अगर किसी को देखना है तो उस टाइम पे हम काट के दिखा भी देंगे। 75 लेकिन अंडर 1 लाख कोट कर रहे हो इसका? अंडर 1 लाख, अंडर 1 लाख, सो बिटवीन 75,000 to 1 लाख। ये पल्टी के लिए जाने वाला? पल्टी के लिए इंशाल्लाह अगर फात भाई अगर कोई रखता है, अगर किसी की मर्जी है तो वो रख भी सकता है, क्योंकि पल्टी के लायक बकरा भी है। okay. क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छा वेट गेन भी आपने करता है। कितने का लिया था कुछ महीने पहले? ये कुछ महीने नहीं, ये 7 महीने पहले जब हमने लिया था तो अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास लिया था। 50,000 का आपने लिया था? जी। तो आपको लगता है आपने महंगा खरीदा? महंगा खरीदा था वो टाइम पे, पर वो टाइम पे थोड़ा जो उसका चेहरा वगैरह था, ये चेहरे में बकरे मिल नहीं रहे थे। ओके जी। तो महंगा खरीदा इसीलिए आपको लगता है कि ऊंचे दाम में? नहीं नहीं, एक्चुअली इस पे मेहनत भी उतनी है। एक्चुअली बकरा बहुत लाजवाब है, ये कोई शौकीन आई थिंक ये साल नहीं नेक्स्ट ईयर के लिए कोई लेना चाहे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा। आई थिंक जाना चाहिए इजिली 110 तक के सेल्फ फीडिंग पर। सेल्फ फीडिंग पे जाएंगे आराम से माशाल्लाह। जाना चाहिए 110 तक के फ्रेम में, बहुत बढ़िया जी बिल्कुल। और भराई पे जाएगा तो और बेटर होगा जी जी। सेल्फ फीडिंग पे तो इजिली 110 जी। और जिस किसी को भी लेना है किस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको? जी मेरा नंबर है 8888 8888 999 999 611 611। जी अपने फार्म का नाम है रुबाब, रुबाब गोट्स। क्यों रुबाब गोट्स? रुबाब यानी कि ऐसा ही कि लिमिटेड बकरे होते हैं और सारे रुबाबदार होते हैं सारे बकरों में जी। ऐसा कोई टच नहीं करते वा? खसी बकरे नहीं सर, आलू का शौक करते हैं जी। खसी बकरों में रुबाब नहीं होता? रुबाब नहीं की बात नहीं है क्योंकि खसी में शौक ही नहीं है। अच्छा कौन सी ब्रीड है जिसमें आपको लगता है रुबाब नहीं होता है? सिरोही गुजरी। सिरोही गुजरी में रुबाब नहीं? नहीं नहीं नहीं, मेरे को वो पसंद नहीं आते। एक्चुअली मुझे जो ज्यादातर पसंद है वो कोटा है, हंसा है और मालवा। सिरोही और गुजरी में रुबाब? रुबाब नहीं, मतलब जो एक लुक होना चाहिए ना बकरे में। सिरोही और गुजरी लवर्स के लिए बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हो। नहीं डिसअपॉइंट करने की बात नहीं है, चिल्लाएंगे। नहीं नहीं, फात भाई कैसा होता है अपनी अपनी अलग अलग चॉइस होती है हर किसी की। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो पर्सनल ब्यूटी इज सब्जेक्टिव जी। तो इनके हिसाब से कोटा बकरे जो अभी ट्रेडिंग में जी जी, तो ये वाकई में रुबाबदार यमराज है जी जी। ये वेरी कंट्रोवर्शियल नेम, वंस अगेन एनीबडी इंटरेस्टेड गेट इन टच विद देम। नंबर क्या है आपका? 8888 8888 999 999 611 611 जी। व्हाट्सएप पर भी यही नंबर? जी व्हाट्सएप पर भी यही नंबर। आमिन शेख जी। रुबाब गोट्स डालो। रुबाब गोट्स। ओके थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू।